ये इसको ऐसे कट किया। अगेन एक और पेरू मैं आपको लेके बताता हूँ, ये बड़ा जो पेरू साइज है, आप काफ़ी लोगों को लगता है यार ये कोकोनट है कि क्या है, इट्स अ पेरू। फिर अब इसके बाद इसका शेल बनाते हैं हम लोग। इसका शेल ऐसे तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि वो बट अगर इसमें ज़्यादा फोर्स किया, प्रेशर लगाया तो टूट जाता है कभी। अब इसको हम रखते हैं, इसको भी मैं करके बताता हूँ। शेल हमने बनाए हैं, अब इसका जो पूरा जो मैंने निकाला है इसको हम मिक्सर में डालेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा शुगर रहता है, ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है। कितने कस्टमर्स ऐसे होते हैं बोलते हैं कि भाई शुगर मत डालो, तो विदाउट शुगर भी अपन बना देते हैं, एंड इसमें आइस की ज़रूरत है। जितना आइस रहेगा उतना ठंडा, जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा लगेगा। ये पेरू के शेल में मसाला लगाया जाता है चिली गुआवा, और ये मसाला मॉम बनाती है, बहुत टेस्टी मसाला है ये। हम लोग इंदौर से हैं और इंदौर का ही बहुत सारे मसाले मिक्स करके मम्मी बनाती है इसको। सीमा आज मेरा नाम है उनका, लेकिन वो काम बिल्कुल सीमा में करती है, बहुत अच्छा करती है, मज़ा आता है। आप चाहें तो इसको स्पाइसी भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। कस्टमर बोलता है स्पाइसी कर दो तो मैं ज़्यादा मसाला लगा देता हूँ। आप देखिए इसमें ये पूरा फुल बड़ा साइज पेरू होता है, और इसको एक बार और हम रिफिल करते हैं। अभी हो जाता है, इसको वापस से रिफिल किया जाता है। यूँ हम जनरली बीज फेंक देते हैं, लेकिन अभी बीज खाने में भी जाएंगे और बहुत हेल्दी होते हैं। ये आप फ्राई कीजिए इसको, इसी के साथ ऐसे इसको भी खाना है, और इसके साथ ही पेरू के शेल में ही पीना है, विदाउट एनी स्ट्रॉ, विदाउट एनी स्पून। और हाँ, ये 100 रुपीज़ का है जिसमें एक और रिफिल होता है, और आप इसकी क्वान्टिटी अगर देखें तो एक मतलब काफ़ी ये अच्छा क्वांटिटी रहता है, और इसको एक बार रिफिल और होता है ये वापस।